देनी पड़ती है। जी हाँ महोदय, जमीन ठेके पर देनी ही पड़ती है। यहाँ मुखिया का तात्पर्य सरकार से है तथा जमीन ठेके पर देने का अर्थ है निजीकरण। इसी के साथ प्रणाम, मैं कोड नंबर 5 आज आपके सामने इस वाद विवाद प्रतियोगिता के पक्ष में अपने विचार रखना चाहती हूँ। सरकार के दखल को धीरे धीरे कम करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना ही निजीकरण है। महोदय, निजीकरण के तो बहुत से उदाहरण भी हैं, जैसे सरकारी संस्थानों के महत्व को कम करके निजी संस्थानों के महत्व को बढ़ाना और सरकार के अनेक कामों को निजी क्षेत्र के लिए ठेके पर देना और उनके उत्पादन क्षमता। महोदय, सरकार निजीकरण देश हित में है या नहीं, इस पर बात करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि इसके कारण क्या है। सरकार के दखल की वजह से PSU का घाटे में जाना और सरकार के दखल की वजह से निजी क्षेत्र स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते और इसी वजह से उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। महोदय, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब भी कोई नई दिशा की ओर बढ़ता है तो अवश्य उसका कोई ना कोई विरोधी जरूर होता है और यही हाल निजीकरण का भी हो रहा है। कोई इसे समझना ही नहीं चाहता। मेरे विपक्षी जो निजीकरण के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी क्या उन्होंने सार्वजनिक संस्थानों के खराब प्रबंधन तथा बढ़ते भ्रष्टाचार से देश के आर्थिक कोष पर हो रहे नुकसान का अंदाजा भी लगाया होगा। महोदय, जब सरकार अपनी संस्था चलाती है तो उसे कुछ अच्छा करने की प्रेरणा नहीं होती, क्योंकि वह पैसा सरकार की जेब से नहीं बल्कि देश की करदाताओं के जेब से लगता है। महोदय, फिर ये तो वही बात हो गई, फोकट का चंदन घिस मेरे नंदन। महोदय, मेरे विपक्षी जो बिजली बोर्ड को निजी हाथों में सौंपने से बौखला रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी सार्वजनिक क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था अर्थात महीनों तक गाँव में बिजली का ना आना अंधेरे में गांव के लोगों का और नई पीढ़ी के बच्चों का भविष्य कहीं गुम होना, शहरों में टूटे हुए खंभे, कहीं बिजली खंभों पे होती दुर्घटना को वो कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। महोदय, मेरा विपक्षी जो चीख चीख कर कह रहा है कि सरकार को आगे आना चाहिए बजाय इसके कि निजीकरण हो, तो मैं आप लोगों का इस ओर ध्यान कराना चाहूँगी। महोदय, मेरा विपक्षी जो चीख चीख कर कह रहा है कि सरकार को आगे आना चाहिए बजाय इसके कि निजीकरण हो, तो मैं आप लोगों का इस ओर ध्यान कराना चाहूँगी। राजनीतिक अस्थिरता, नेताओं का अपने देश लाभ के लिए कार्य करना और संसद में आरोप प्रत्यारोप में ही जनहित के मुद्दे कहीं लुप्त होते नजर आते हैं। महोदय, सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए ही निजीकरण का फैसला लिया है, तो मेरे विपक्षी साथी कैसे कह सकते हैं कि निजीकरण गलत है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अगर लाना है देश को आगे तो युवाओं में जोश जगाना पड़ेगा। नजर भी बदलेगी और नजरिया भी बदलेगा, मगर पहले सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। जी हाँ महोदय, सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।